सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इंदौर में चलती बाइक पर सिगड़ी जलाना युवक को भारी पड़ गया। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी होते ही पुलिस युवक के घर जा धमकी। जिस गाड़ी पर सिगड़ी जलाई उसे न सिर्फ जब्ती में ले लिया गया बल्कि दोनों के विरुद्ध नामजद FIR भी दर्ज करवा दी। युवक अपने अपने घरों से फरार है। संभवतः रील बनाने के चक्कर में वे जानलेवा हरकत कर बैठे। विजयनगर TI रविंद्र सिंह गुज्जर के मुताबिक यातायात थाना में पदस्थ सूबेदार अमित कुमार यादव की शिकायत पर रोहित वर्मा और प्रदीप यादव के विरुद्ध धारा 280, 290, 279 के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपितों का एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें दोनों विजयनगर क्षेत्र से गुजर रहे थे। एक युवक बाइक चला रहा था जबकि दूसरा युवक पीछे मुकर के बैठा था और सिगड़ी जलाते हुए चल रहे थे। रात में बने इस वीडियो के बैकग्राउंड में गाना भी बज रहा था। आसपास चल रहे लोग भी युवक का वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे थे। जैसे ही वीडियो अफसर तक पहुंचा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महेश चंद्र जैन ने बाइक MP09ND6420 के आधार पर पुलिस भेज दी। एडिशनल SP ने आरोपित युवकों के विरुद्ध थाना में भी केस दर्ज करवा दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपितों ने फेमस होने के लिए रील बनाई थी। पुलिस बाइक नंबर के आधार पर वाहन स्वामी कैलाश चंद्र वर्मा के घर पहुंची तो कैलाश ने बताया कि बाइक उनकी है लेकिन चलाने वाला प्रदीप यादव है। सिगड़ी लेकर पीछे बैठने वाला उनका बेटा रोहित वर्मा है। दोनों फिलहाल खाटू श्याम गए हैं। पुलिस ने कैलाश को फटकार लगाई और बाइक जब्त कर ली। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महेश चंद्र जैन का कहना है कि इस प्रकार के वीडियो जानलेवा भी हो सकते हैं। जिम्मेदार नागरिक बने और ट्रैफिक नियमों का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान रखें। पुलिस अमानक नंबर प्लेट और साइलेंसर लगाने वालों को भी नहीं छोड़ती। ऐसे वीडियो पर तो कड़ी कार्रवाई होगी। जावा गटक माँ की सूखती कटक देख होगी तना भड़क मगा मान जाना ना से करवावा की के गाड़ी के टरक नीचे एक हाथा दबावा की के मौत का सम्मान ले।